हेलो, मेरा नाम अतुल वडेरा है। मैं 31 इयर्स का हूँ। पिछले 6 से 8 महीने से मेरे को यहाँ पर काफ़ी पेन होता था, और एक वो पेन रात को यहाँ से लेके यहाँ तक होता था। तो फिर मैंने अपना अल्ट्रासाउंड करवाया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे को गॉल ब्लैडर स्टोन है। मेरे फैमिली में पहले भी 2 मेंबर्स का यहाँ पर ट्रीटमेंट हो चुका है। सो आई हैव हर्ड वेरी गुड रिव्यूज़, आई हैव अ वेरी पॉजिटिव फीडबैक फॉर दिस हॉस्पिटल। तो मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर जनरल सर्जन जो हैं कुमार अभिषेक जी को अपनी रिपोर्ट्स वगैरह दिखाई, तो फिर उन्होंने मुझे मेडिसन्स एडवाइस करी और एडवाइस किया कि मेरे को फैट फ्री फूड खाना है। उन्होंने फिर मुझे सजेस्ट किया वो, और उन्होंने मुझे फर्दर टेस्ट सजेस्ट किए। कुमार अभिषेक सर जी की ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगी कि ही हैज़ अ वेरी वास्ट नॉलेज, काफ़ी अकोमोडेटिंग है, काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी सपोर्टिव है, बहुत ध्यान से आपकी रिपोर्ट देखते हैं, बहुत अच्छे से आपको बताते हैं कि कि कैसा प्रोसेस होगा, क्योंकि पेन काफ़ी थी तो एक बार सबको डर तो लगता ही है। बट जैसे उन्होंने समझाई एक एक चीज़ कि कैसे प्रोसेस होगा, कैसे सर्जरी होगी, तो वो उन्होंने बहुत बहुत अच्छे तरीके से बताई। एंड लोगों को थोड़ा मिसकंसेप्शन रहता है कि गॉल ब्लैडर सर्जरी जो है वो आयुर्वेदिक से या मेडिसिन से ठीक हो जाएगी, बट गॉल ब्लैडर की सर्जरी ऐसी है विच रिक्वायर्स एन ऑपरेशन। एंड इट्स नॉट कि ऑपरेशन के बाद इट्स डन एंड डस्टेड। पोस्ट हॉस्पिटल केयर जो है, इवन द नर्सेज स्टाफ, द क्लीनिंग स्टाफ, एवरीवन इज सो सपोर्टिव, ऑल द नर्सेज आर जस्ट अ कॉल अवे। सो या, एक्सेलेंट हॉस्पिटल, बी इट डॉक्टर्स, बी इट सपोर्टिंग स्टाफ, एवरीथिंग इज टॉप नॉच।